दोस्तों हमेशा फिल्मों में देखा है जेल कैसा होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयरिंग समीरन। आज संडे है और सुबह करीब 10 बज रहा है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ा घूमने अपने फैमिली के साथ। वो रहा मेरा बेटा बैठा हुआ है मेरी गाड़ी पे, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं। तो यहाँ से पेट्रोल पंप है, यहाँ से हम पेट्रोल ले लेते हैं पहले। अरे बाप रे, यहाँ पे तो बड़ा लाइन लग गया, इतना लंबा लाइन है, माथा खराब है, कौन यहाँ खड़ा रहेगा। और भी एक के बाद एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो चलिए ढूंढते हैं अगला पेट्रोल पंप। दोस्तों वैसे ही मैं आज सुबह 9 बजे तक निकलना चाहता था, लेकिन संडे का दिन है, थोड़ा बहुत काम था तो देर हो गया। और अभी 10:30 बज रहा है, मैं सड़क में सड़क पर हूँ। अभी मैं लेफ्ट लूँगा और हजरा रोड से जाके सीधा निकल लूँगा। दोस्तों अभी मैं हजरा क्रॉसिंग पे हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं बताना ही भूल गया था। एक्चुअली मैं पहले ठीक से तय नहीं कर पा रहा था कि पहले कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में अलीपुर जेल म्यूज़ियम और साइंस सिटी दोनों ही चल रहा था। तो मैंने फिर बाद में रास्ते में तय किया कि पहले जेल म्यूज़ियम चलते हैं, तो अभी उधर ही जा रहा हूँ। वो रहा अपना डेस्टिनेशन। गाड़ी ढूँ, हाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं अलीपुर जेल म्यूज़ियम। ये मेरे साथ मेरा बेटा भी खड़ा हुआ है, और क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ तो मेरे बीवी भी साथ में है। और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं जेल म्यूज़ियम, तो अभी अंदर जाने वाले हैं, चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ आते हैं तो टाइम का ध्यान रखिएगा, 11 बजे से पहले ना तो टिकट काउंटर खुलता है और ना ही आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूँ कि पार्किंग कहाँ है, गाड़ी अगर गाड़ी पे आते हैं तो कहाँ गाड़ी रखना। ये देखिए, ठीक गेट से अंदर जाते ही बाएं तरफ पार्किंग है, यहाँ पे बहुत जगह है। तो दोस्तों यहाँ से पहले टिकट पंच करके अंदर जाना होता है। तो दोस्तों चलिए अलीपुर जेल म्यूज़ियम को पूरा घूम के देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अंदर चलते हैं। है चलो जाची, मेरा बेटा मुझे गाइड कर रहा है, वो पहले भी आ चुका है। तो जेल का सलाख ऐसा होता है। तो मैं अभी एक ये बड़ा सा सीन के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो ऐसी जगह पे आके बात करने को मन नहीं करता, क्या अपने मन भारी हो जाता है। दोस्तों हमेशा फिल्मों में देखा है जेल कैसा होता है, अभी अंदर आके बहुत अजीब लग रहा है। देखिए इतना छोटा सा सेल है और यहीं पे सब कुछ करना पड़ता था वो लोग जो लोग यहाँ रहते थे। वो रहा फांसी का मंच, यहीं पे लटकाया जाता था। हाशी, हाशी,
दोस्तों आप लोग कितना देख पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊपर हर एक खिड़की में कोई ना कोई खड़ा है, मतलब कोई ना कोई स्टैचू खड़ा है। देख के उन दिनों का एहसास हो रहा है जैसे सच में कोई खड़ा है। दोस्तों अभी हम लोग अंदर खड़े हैं, यहाँ पे एक कैफे भी बना हुआ है और एक लाइब्रेरी जैसा भी है, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं और बैठ के किताबें भी पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा गाइड का काम कर रहा है, सब पता है इसको, क्या क्या पता है तुझको बोल। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, दो जन बैठ के चरखा से हाथ से सूत काट रहे हैं। आइए सामने आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुछ औजार रखा हुआ है, ये सूत काटने का शायद ये रहा। यहाँ है हिस्टोरिक प्रिजन वार्ड, ऐतिहासिक कारा कक्ष। दोस्तों चलिए एग्जीबिशन हॉल के अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं, चलो चलो चलो। ये देखिए दोस्तों यह एग्जीबिशन हॉल, अंधेरा ही अंधेरा है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं, लगभग पूरा घूम लिए हैं, कुछ बाकी रह गया होगा तो आगे कभी टाइम करके आ जाएंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि और चलते हैं अभी, तो अभी दोपहर का टाइम है, करीब करीब 2 बज रहा है। चलिए निकलते हैं, मिलते हैं आगे ऐसी कोई वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।